शनि का जो तीसरा नक्षत्र है उसका नाम है उत्तरा भाद्रपद, और ये नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका जन्म उत्तरा भाद्रपद में हुआ है तो आपकी राशि होगी मीन। इस नक्षत्र के अंदर फायर एलिमेंट पाया जाता है। अब देखिए, राशि है मीन और एनर्जी है अग्नि की, बड़ा कंट्रास्ट टाइप का मामला है। ये नक्षत्र युद्ध का नक्षत्र और रक्षा का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के लोग आनंद वाले, उदार स्वभाव के और धनवान होते हैं। इनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान पाया जाता है। इस नक्षत्र की महिलाओं के अंदर माता लक्ष्मी के समान गुण देखे गए हैं। यानी अगर किसी लड़की का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में संपन्नता, धन, ऐश्वर्य उसके पास भगवती लक्ष्मी जैसा होगा। कमी कहां पर है? उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के लोग कभी कभी बड़े क्रोधी, आलसी और लापरवाह हो जाते हैं, और ये लोग कभी कभी काम भाव में और नशे में लिप्त भी हो सकते हैं। अब एक बात समझिए, देखिए शनि के तीन नक्षत्र है ना, पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। तीनों की सफलताएं बहुत हैं, पवित्रताएं बहुत हैं, लेकिन तीनों में नशे की टेंडेंसी और मानसिक झटकों की संभावना बहुत होती है। इसीलिए इन तीन नक्षत्रों के लोग जीवन में जितने पवित्र होते हैं, जितने ईमानदार होते हैं, फायदा उतना ही ज्यादा होता है। अगर आपने देखा हो तो शनि के तीन नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों जल की राशियों में आते हैं। पुष्य आता है कर्क राशि में, अनुराधा वृश्चिक में और उत्तरा भाद्रपद मीन में। कर्क, वृश्चिक, मीन तीनों जल की राशियां हैं। और जब जल की राशियों के साथ सैटर्न का, शनि का कॉन्टैक्ट होता है तो ऐसी स्थिति में मन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। मन पवित्र तो होता है नो डाउट, लेकिन मन बहुत सेंसिटिव भी हो जाता है ऐसे लोगों को चिंता करने की, तनाव पालने की, बेवजह घबराने और बेचैनी की, ये सब समस्याएं पैदा होती हैं। अगर इन नक्षत्र वालों को आध्यात्मिक रास्ता मिल जाए, धार्मिक मार्ग पर चलने लगें, तो ये जीवन में बहुत तरक्की कर जाते हैं। लेकिन अगर इनको आध्यात्मिक रास्ता न मिले, धार्मिक मार्ग न मिले, तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि ये लोग रास्ते से भटक जाते हैं, नशे की तरफ या मानसिक बीमारियों की तरफ या अवसाद की तरफ चले जाते हैं। और ये स्थिति सबसे ज़्यादा बनती है पुष्य नक्षत्र के साथ, क्योंकि पुष्य नक्षत्र में एक तो नक्षत्र स्वामी हो गया शनि, राशि का स्वामी हो गया चंद्रमा, तो चंद्रमा और शनि का इनडायरेक्ट संबंध बनता है जो विष योग जैसा कॉम्बिनेशन पैदा कर देता है। इसीलिए बहुत सारे कामों में, खासतौर से विवाह जैसे काम में, पुष्य नक्षत्र को वर्जित किया गया है, क्योंकि इस नक्षत्र में लंबे समय तक आनंद देने की क्षमता नहीं है। जब पुष्य नक्षत्र बृहस्पतिवार के दिन आता है तो इसे कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र, बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं इसको। और जब रविवार को आता है तो इसे कहते हैं रवि पुष्य नक्षत्र, इसे भी बहुत पवित्र मानते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो, आप कोई भी शुभ कार्य करें, कोई भी पूजा करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, प्रार्थना करें, तो उसके परिणाम आपके लिए बेहद शुभ होंगे। सामान्यतः पुष्य नक्षत्र शनिवार के दिन पड़े तो आपको शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, बृहस्पतिवार या रविवार के दिन पड़े तो बहुत ही शुभ है। शिक्षा का आरंभ, अनुष्ठान का आरंभ, कोई पूजा उपासना, कोई विशेष मंत्र का जप, नींव भराई, गृह प्रवेश, भूमि पूजन,
मुंडन, द्विरागमन, ये तमाम चीजें पुष्य नक्षत्र में करनी चाहिए। केवल विवाह करने से पुष्य नक्षत्र में बचना चाहिए। और अगर बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ रहा है तो आप उस दिन जम करके पूजा साधना करिए, जम करके मंत्र जप करिए, और इसके बाद जो भी प्रार्थना आप करेंगे वो प्रार्थना स्वीकार होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।